मैं इस चीज को नहीं कह रहा पिच चेंज की या दूसरी टीम भी उसी पे बॉलिंग कर रही है ना, ये चीज नहीं है, ये कोई ऐसा एतराज नहीं है, उसी टीम पे दोनों उसी पिच पे दोनों टीम्स बॉलिंग कर रही हैं दोनों। बाकी इंडिया की बैटिंग भी अच्छी है, ऑफ कोर्स उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और बैटिंग भी बहुत अच्छी। शामी जो है वो उनका मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है, उसका मेरे ख्याल में थर्ड या फोर्थ वर्ल्ड कप खेल रहा है वो, और इस वर्ल्ड कप में उसकी 50 जो है ना विकेट्स भी आज कंप्लीट हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मौजूद किशन सोरी तौर पर, और आप देख रहे हैं जी पब्लिक रिएक्शन शो। जैसा कि आपको पता है आज का जो सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसका जो है वो इख्तिताम हो चुका है, और इंडिया ने न्यूजीलैंड को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आज हरा दिया है। 398 का टारगेट था जो कि न्यूजीलैंड से नहीं हो पाया, और यह है कि अभी जो है इस टाइम मैं अनारकली में मौजूद हूँ और पब्लिक से पूछता हूँ, जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं जो ICC वर्ल्ड कप को देख रहे थे, जो इंडिया के फैंस हैं, विराट कोहली के फैंस हैं, इंडियन खिलाड़ियों के फैंस हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको आज कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो फाइनल में पहुँच चुका है। मजीद पूछते हैं लोगों से वो क्या कहते हैं फौरी तौर पर आज का जो मैच है, इंडिया ने जो है न्यूजीलैंड को हरा दिया है, और क्या उसे कहते हैं कोहली ने, विराट कोहली ने जो है वो सेंचुरी की है, क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे आपने भी सुबह न्यूज़ में देखा होगा कि उन्होंने पिच चेंज कर ली थी, और उसके बाद ये है कि उन्होंने टोटली एक किस्म की बैटिंग पिच थी जिसका उनको फ़ायदा हुआ कि उन्होंने सबसे पहले बैटिंग ली, और मतलब आपको पता है पिच बाद में ड्राई भी हो जाती है और उसके बाद मतलब बैटिंग के लिए सही नहीं रहती। तो उसके बाद ये कि बाकी इंडिया की बैटिंग भी अच्छी है, ऑफ कोर्स उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की और बैटिंग भी बहुत अच्छी की। सुनने में ये आया कि मतलब देखने में ये आया कि हमने देखा कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, पिछली जो हिस्ट्री देखें इस दौरान उनकी जो है फील्डिंग भी बड़ी अच्छी रही है, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए बैटिंग और फील्डिंग तो उनकी पहले से ही बहुत अच्छी थी, बट बॉलिंग में वो थोड़ी सी मार खाते थे तो बट अगर हम देखा तो मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज जैसे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरा ख्याल शामी ने आज साथ में उसके लिए है, उसका क्या आपके खालिद बिहार का गेम? देखिए अगर आप शामी के वर्ल्ड कप में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत अच्छी रही है, आई गेस वो वैसे भी टॉप परफॉर्मर है बॉलिंग साइड में अगर हम देखा जाए तो, बहुत अच्छी उसकी मतलब पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है और इसका क्रेडिट उसे जाता है। ऐसे सैंग विराट कोहली को जो है आज उसने सेंचुरी भी की है, ऐसे सैंग उसको क्या समझ के हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे विराट कोहली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं विराट कोहली का फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार उसकी बैटिंग बहुत स्लो थी, कोई स्ट्राइक रेट उसका इतना अच्छा नहीं था, जिस तरह एक उसकी हाइप है कि वो एक किंग प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में कि उसे अपने स्ट्राइक रेट की तरफ भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि टोटली बैटिंग पिच पर भी उसने अगर 106 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है तो मेरे ख्याल में ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की आज की परफॉर्मेंस के बारे में? ये इंडिया ने सबसे पहले तो बैटिंग बड़ी अच्छी की है, और विराट कोहली ने स्ट्राइक रोटेट किया और बैटिंग उनकी ठीक थी, अच्छी थी मतलब बैटिंग उनकी, और उसके बाद अय्यर ने अच्छा खेला है, उन्होंने आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग कैसी थी आज की? बॉलिंग मोहम्मद शामी की काफ़ी अच्छी थी। मोहम्मद शामी ने जो सात विकेट लिए हैं वो आपने देखी हैं? जी मैंने देखी हैं, और पूरा मैच तो नहीं देखा लेकिन उनका फर्स्ट स्पेल देखा है मैंने, और ओवरऑल अगर देखा जाए मोहम्मद शामी पिछले दो मैच से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टॉप विकेट टेकर। जो 298 का 398 का जो टारगेट दिया था इंडिया ने न्यूजीलैंड को, तो आप जो न्यूजीलैंड से जो नहीं हो पाया, आपके माइंड में क्या था कि क्या ये न्यूजीलैंड कर पा सकता था कि नहीं कर सकता? नहीं, बड़ा मुश्किल था क्योंकि होस्ट इंडिया है तो होम ग्राउंड्स हैं उनके, तो मुश्किल था बहुत। अभी जो सेमीफाइनल में आज जैसे इंडिया जीता, हाँ। जी तो ठीक है, बहरहाल इंडिया भी तकरीबन सिस्टम की बेस पे जीत रहा है, मोस्टली जो है एक दो गेंदों का, एक दो बॉल्स का, एक दो विकेट्स का जो है ये इन पे मैच डिपेंड करता है, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो, एक दो चीज़ों पे जो है वो मैच बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे हमारा हारिस रऊफ का वो लास्ट बॉल पे जो विकेट थी वो इन्होंने नहीं दिया आउट, बाद में सिस्टम की गलती मान भी ली, लेकिन बाद में गलती मानने का फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना, उस पे मैच डिपेंड करता था, एक दो गलतियों की वजह से इंडिया अब तक एक दो गलतियों की वजह से जो है ना उसको जो प्रेफर मिल रहा है, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है उस बेस पर हाइप मिल रही है भाई जान, उससे आगे वो जीतते चले जा रहे हैं, इंडिया भी इस काबिल नहीं है कि वो फाइनल लेके जाए। मैं तो कहता हूँ मैं यहाँ से बाहर हो जाती, नहीं हुई तो आगे जाके बाहर हो जाए अफ्रीका जो इंडिया का जो है होम ग्राउंड है, पिच उन्होंने चेंज की है। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा पिच चेंज की है, दूसरी टीम भी उसी पे बॉलिंग कर रही है ना, ये चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसा एतराज़ नहीं है उस
उसी टीम पे दोनों, उसी पिच पे दोनों टीम्स बॉलिंग कर रही हैं, दोनों के बॉलर्स भी उसी उसी पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं, उसी पे बैटिंग कर रहे हैं। बात यह है कि जो बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं ना, वो सिस्टम के भी आप पे हो, एम्पायर्स के गलत जो है वो डिसीजन हो, वो उन्हें ज़रूर दिए जा रहे हैं। अगर आप ये कहें कि वो मेहनत पे या टीम वर्क पे आगे जीत रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारी टीम में ऐसा कोई टीम वर्क है ना उनमें है। मुबारक हो। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, वो अच्छा प्लेयर है, मानना चाहिए, लेकिन उसकी जद में आप बाबर को ला के डिग्रेड करें, ये गलत बात है। ठीक है, वो अपनी जगह पे है बाबर अपनी जगह पे, अब हमारी जो कौम है वो बाबर को ट्रोल कर रही है, ये भी बात गलत है। बाबर अपनी जगह एक अच्छा प्लेयर है, सारी दुनिया मान रही है, पाकिस्तानी मान रही है, लकीर के फकीर हैं, एक मैच जीत के दिखाएं तो ये बाबर बाबर करने लग जाएंगे, दूसरा मैच हार जाएंगे छापर छापर करने लग जाएंगे। अच्छा, जो है न्यूजीलैंड हार गया, इंडिया जो है वो फाइनल में जा चुका है, तो लास्ट पे आप क्या कहना चाहिए? कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे इंडिया फाइनल ना जीते। अच्छा। ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करता जितनी सिस्टम की, जैसे मैंने पहले बात की है, जितनी गलतियों की बेस पे वो एक एक दो दो गलतियाँ हर मैच में उन्हें फ़ायदा दे रही हैं, एम्पायर के गलत डिसीजन उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं, ये वो नहीं डिजर्व करते। ऑस्ट्रेलिया जीते हमें मज़ा आए, हम देखें यार जाके कोई मेहनत करने वाली टीम आगे आई है, वर्ल्ड कप लेके गई, ऑस्ट्रेलिया लेके जाए, अफ्रीका लेके जाए, मज़ा आता है। आ गए हैं मतलब के फाइनल में इंडिया के जो मुकाबले टीम है वो जीतनी चाहिए, जो भी हो उनमें से वो जीते। यार इंडिया वाले बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, स्टार्ट से ही अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से वो खेल रहे हैं, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी जा रही है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, कोहली ने सेंचुरी की है, शहराज सैयद ने सेंचुरी की है, और बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, और बड़े अच्छे से मैनेज किया है उन्होंने टारगेट को, 397 तक लेके गए हैं, और फिर बॉलिंग में भी बहुत ही अच्छा खेले हैं। दरमियान में ज़रा वो उनकी पार्टनरशिप लगी थी, क्या कहते हैं, विलियमसन की और साथ में डैरिल मिचेल की, बट एट द एंड उन्होंने मैनेज कर लिया, क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा था, लाइक बहुत ही ज़्यादा था, हाँ, इस वजह से कवर कर गया इंडिया वाले। आपको क्या पता था कि न्यूजीलैंड इतना टारगेट जो है वो कर सकता था? यार अगर देखा जाए, रियलिस्टिकली देखा जाए, तो बहुत ही मुश्किल था कि वो इस टारगेट को चेज़ कर सकते हैं, क्योंकि 397 इज़ हेल ऑफ ए टारगेट टू चेज़ इन ए सेमी फाइनल गेम, लाइक वो बहुत ही मुश्किल काम था, मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ अच्छा मैच होना था ये लग रहा था, क्योंकि वो कंपेटिटिव जो है ना क्रिकेट खेल रहे थे। आज जो विकेट लिए हैं, सात विकेट लगातार, मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? शामी जो हैं वो उनका मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है, उसका मेरे ख्याल में थर्ड या फोर्थ वर्ल्ड कप खेल रहा है वो, और इस वर्ल्ड कप में उसकी 50 जो है ना विकेट्स भी आज कंप्लीट हुई हैं, और 4 5-er लिए हैं उसने, वो तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लाइन टू लाइन बॉल कर रहा था, और मेन मैच भी उसने ही जितवाया है, 7 विकेटें लिए हैं उसने आज मेरे ख्याल में। विराट कोहली ने जो सेंचुरी की है, और मतलब के उसकी मेरे ख्याल से सुनने में आया कि 50 जो है वो सेंचुरियाँ हो चुकी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, विराट कोहली तो वन ऑफ द बेस्ट है ना, उसने आज तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ 50 सेंचुरीज उसने कंप्लीट की हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि नॉकआउट्स में वो सेंचुरी नहीं कर पाया, अभी 50 भी नहीं कर पाया था इवन, तो आज उसने वो सेंचुरी भी की है, और वो वाला एक जो स्नैरियो था वो भी उसने वो कर दिया कि हाँ नॉकआउट में भी वो खेल सकता है, अच्छा खेल सकता है। क्या ऐसे मतलब क्रिकेटर या ऐसे फैन विराट कोहली को क्या आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? विराट कोहली को क्या मैसेज दे सकते हैं? ही इज़ द बेस्ट एंड ही विल बी द बेस्ट एट द एंड ऑफ हिज करियर। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज का जो मैच था सेमीफाइनल इंडिया जीत चुका है, और हमने जो है वो ऑडियंस से पूछा, पब्लिक से पूछा, काफ़ी सारा पब्लिक जो है वो इंडिया के जीतने पे खुश भी है, और जो कुछ लोग हैं जो इंडिया के जीतने पे नाराज़ भी हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया को आज का मैच नहीं था जीतना चाहिए, और उनका ये भी कहना है कि इंडिया फाइनल जो है वो नहीं जीतेगा, और अब देखते हैं कि फाइनल कौन सी टीम जीतती है। आज का मैच तो इंडिया का था, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे जो है आपको अभी फाइनल के भी हम अपडेट देंगे कि फाइनल कौन मैच जीता है। मिलते रहिए फोरी तौर पर।